हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, फिलहाल तो अभी मीठे में हलवा खा रहा हूँ। मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज मम्मी ने 2 दिन से व्लॉग नहीं देखा है, बिकॉज अभी वाईफाई नहीं है ना, और फोन के नेट से फिर देख नहीं पा रहे। आज वाईफाई लग जाएगा होपफुली। और एक और काम है। क्या काम? आप भी बताओ। चलो मेरे को नहीं पता। बताओ भाई, मैंने अभी बताया था आपको। बताओ, आप बताओ, मम्मी बताएगी अपने। नहीं, वाईफाई लगेगा कल। हाँ, अभी आता हूँ ना। वाईफाई वाला कह रहा है कल लगेगा। 3-4 दिन से कह रखा है, उसको पैसे भी ले गया वो, फिर भी पता नहीं लगाने ही नहीं आ रहा। तो आज हम जाएंगे हमारी दूसरी गाड़ी बुक करने के लिए। तू तो करता है 10 मिलियन पर करूंगा। नहीं, वो तीसरी होगी। वो तीसरी होगी। मजाक कर रहा है, मजाक। क्योंकि अभी हमारे पास एक बड़ी गाड़ी है ना, इनोवा, तो वो काफी ज्यादा बड़ी है। अगर पीयूष, साहिल, मेरे को जाना हो, अगर मैक्सिमम 4-5 बंदों को भी जाना है, तो उसके लिए भी छोटी गाड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए अभी जाएंगे आज हम छोटी गाड़ी बुक करने के लिए, और हमको मिलेगी 4-5 महीने में मिलेगी, क्योंकि इतनी तो वेटिंग होती है। तो सोच रहे हैं अभी बुक करा देते हैं। कौन सी कराएंगे वो अभी आपको चलेगा पता। अभी जाएंगे हम शोरूम पे, फाइनल कर दिया हमने। कोई हम देखेंगे नहीं, टेस्ट ड्राइव कुछ नहीं लेंगे, सीधा बुक कराएंगे, क्योंकि पता है हमको कौन सी करानी है। मैंने रिसर्च ऑलरेडी कर रखी है। वीडियो देखने के लिए मम्मी का जुगाड़ कर दिया मैंने, इसमें दिखाएंगे। वाईफाई तो है नहीं, तो फोन के नेट से दिखा दूंगा जितना बहुत जाएगा। रिचार्ज करा लिया था मैंने 30 GB वाला, उसी से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसी से सब कुछ चल रहा है फिलहाल। तो वही सब चला रहे हैं, वही 30 GB वाला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई जस्ट गॉट दिस पार्सल, जो कि मैंने मंगवाया था माई प्रोटीन से। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, दिखाता हूँ क्या है इसमें। तो इसमें है वे प्रोटीन्स, प्रोटीन कुकी, प्रोटीन बार। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करी जाए, ताकि जो मेरा गोल है फिट रहने का, मुझे मास गेन करना है ना, मसल मास, वो मैं अचीव कर पाऊँ। बट यू नो, इतना ट्रैवलिंग हो गया और इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी वजह से सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ जो माई प्रोटीन के प्रोडक्ट है ना, वो काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे मेरे फिटनेस के गोल को अचीव करने में। आपको पता ही है, जो हमारी यूजुअल डाइट होती है, हम उसमें कितना कम प्रोटीन लेते हैं, तो बेस्ट है कि हम वे प्रोटीन लें। मुझे तो ये माई प्रोटीन का इम्पैक्ट मैंगो फ्लेवर वे प्रोटीन बहुत मस्त लगता है। इसके अलावा भी, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं बेक्ड कुकीज़, जिसके अंदर कार्ब्स भी हैं और प्रोटीन भी हैं, ये ले लेता हूँ। माई प्रोटीन के जो प्रोडक्ट है ना, वो मैन्युफैक्चर तो UK में होते हैं और डायरेक्टली इंडिया में डिलीवर होते हैं, डायरेक्टली, बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। अभी माई प्रोटीन की यूनाइटेड बाई एम्बिशन सेल चल रही है, जिसमें अगर आप सौरभ कोड यूज़ करोगे तो आपको 27% ऑफ मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ चेकआउट माई प्रोटीन प्रोडक्ट। तो ये जो गाड़ी है, ये अभी तक मैं ड्राइव करता हूँ। 8-सीटर है, फुल स्पेस ही स्पेस है पीछे तक। चलाने में भी बहुत मज़ा आता है, बट फिर भी यार लगता है कि हाँ, एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए, बिकॉज उसकी माइलेज भी ज़्यादा होगी, इसकी माइलेज भी काफ़ी कम है, और हर जगह घुसा नहीं सकते इतनी बड़ी गाड़ी को। इवन फॉर्च्यूनर से भी लंबी है ये, जैसे आपने देखा होगा, हम तीनों भाई कहीं भी निकल जाते लेके, तो तुक नहीं बनता इतनी बड़ी गाड़ी लेके कहीं भी निकल जाने का, छोटी छोटी जगह से निकालने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक छोटी गाड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि हल्द्वानी आगे एक छोटी गाड़ी जरूर लूंगा मैं। अगर पूरी फैमिली को कहीं जाना है तो ये गाड़ी ले जाएंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी हमको पसंद आती है। वैसे पता ही है कौन सी लेनी है, वो आपको वहीं चल के बताऊंगा। ये देखना, गोगल वोगल डाल के सेट हो गया। तो ओरियो भी जा रहा है हमारे साथ में, ओरियो पापा जी एंड मम्मी भी। क्या हुआ, नहीं आ रहे आप? तो फिर ओरियो को अपने साथ रखो। अब आप हो तो आपके साथ तो रह ही लेगा वो, हम नहीं ले आ सकते ना शोरूम में। इधर भी जंगल। हाँ, डिस्कवरी में आता है सा। घर से पास में ही है शोरूम, सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर रह गया। तो अभी हम पहुंच गए टाटा के शोरूम में। वेरी एक्साइटेड यार, वाइट अच्छी लगती है यार। नहीं लग रही अच्छी यार, मजा नहीं यार। वाइट यार, समझा करो, जो भी है ना, वाइट वाइट होती है, समझा करो। खुद ही चलाना फिर वो। ना भाई, हाँ मैं ही चलाऊंगा, तेरे को तो चलानी है, खुद ही चलाना भाई। सबसे बेस्ट है अपने लिए, छोटी गाड़ी है, कलर भी यही ड्यूल टोन में, इंटीरियर भी काफी सही है। पीछे का स्पेस कैसा है? आप देखो ना, नहीं हमारे को तो ठीक लगता, मेरे को तो चलानी है। बूट स्पेस भी सही है। तो गाइस, अभी हम ये वाली गाड़ी बुक कर रहे हैं, नेक्सन ब्लैक कलर में। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक नहीं, नहीं ब्लैक नहीं, नहीं व्हाइट, ब्लैक व्हाइट है तो सही। पहले इनोवा, ये देखिए अच्छी लग रही है भाई, अच्छी तो लग रही है, फिर भी ब्लैक और अच्छी लग रही है। नहीं ब्लैक नहीं। चलो अब पता करते हैं कितने की क्या सिस्टम है, जो भी। तो अभी हम बैठे हैं अल्ट्रोज में, ये भी काफी मस्त लग रही है, बट ये थोड़ी नीची है ना, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो हम जैसे ऑफ रोडिंग वगैरह करनी हो तो उसमें दिक्कत आ सकती है, बाकी लुक तो दोनों की सही है। तो अभी ये भाई मिले हैं हमारे सब्सक्राइबर, सबके नाम अर्श। तो आज इनकी नेक्सॉन की डिलीवरी है, और देख लो मिल गए। तो आज हमको टेस्ट ड्राइव वैसे तो नहीं मिल रही थी, बट इनकी नई गाड़ी चलाएंगे। सो आई एम फीलिंग वेरी लकी टुडे कि सौरभ भाई आए अपने। तो ये वाली गाड़ी अभी धुल रही है,
अच्छे से रेडी होगी, उसके बाद डिलीवरी होगी। मेरे को भी सेम यही वेरियंट लेना है और यही कलर लेना है। अरे जनरेटर तो चलवा के आओ। जनरेटर चलवाओ भाई। ये देखो बिल्ड क्वालिटी जिसके हिसाब से हम ले रहे हैं, ऊपर से कुछ हो रखा है, इसकी काफी सॉलिड गाड़ी है। नहीं खुलेगा, खुल गया। ये वाली गाड़ी भी मस्त लग रही है ब्लैक कलर में, बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, बस इसलिए हम नहीं ले रहे क्योंकि पहाड़ों पे ले जाएंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे ना। तो अब चलाते हैं नई नेक्सॉन जो कि भैया की है, आपसे पहले मैं चला रहा हूँ देख लो। बाकी बैठने में तो काफी कम्फर्टेबल है और ये व्यू भी काफी प्यारा है। हो गया बाबा, ले जाने नहीं दे रहे, कह रहे नई गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते। तो गाड़ी हमने बुक करा दिया है, फिलहाल हम जा रहे हैं। अच्छे से टेस्ट ड्राइव नहीं ले पाए क्योंकि अंदर से बाहर लाने नहीं थी, कोई बात नहीं फिर कभी ले लेंगे। तो गाड़ी बुक करवा के हम जाते हुए घर की साइड। सौदा आगे हैं वालू, सौदा आगे हैं वाली। मम्मी जी बधाई हो, हमारी सेकंड गाड़ी बुक हो चुकी है, बधाई हो। 3-4 महीने में आएगी, अभी थोड़ी ना आएगी, वेटिंग है 3-4 महीने की। शाम के 5 बज गए हैं, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया शोरूम में। तो अब करेंगे लंच, तो फिलहाल अपना लंच तो आ गया, तो अभी टाइम है शाम की चाय का। और ये चाय पिएगी पापा जी? मेरे आर्ट वर्क्स कब लगाओगे? सारी वॉल्स खाली खाली होगी देखना। कैमरे कब लगाओगे? तो अभी रात के 11 बज रहे हैं, एडिटिंग मेरी हो चुकी है, फिलहाल मुझे लग रही भूख, तो चलो माय प्रोटीन कुकी खाते हैं, बाहर खाते हैं। अभी अभी मैं आया और भी उठ गया, शायद इसको भूख लग रही है। भूख लग रही है? अरे तेरे को पनीर देता हूँ, आजा ले भाई खा ले। क्या हुआ, अब खा क्यों नहीं रहा? जब मैं किचन में गया तब तो चला गया था। फिलहाल मैं तो एक प्रोटीन कुकी खाऊंगा, एक प्रोटीन बार। तो फिलहाल मैं रोटी और सब्जी भी ले आया, बिकॉज बार और कुकी से बिल्कुल भी पेट नहीं भरा, चाहे कुछ भी हो जाए पेट तो रोटी से ही भरता है। इसी के साथ में इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय द वे आज हमने कार बुक की, मेरे को उतना एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था जितना मुझे फर्स्ट कार में हो रहा था। मतलब फर्स्ट कार में तो मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कार ले रहा हूँ, बट आज गए और जाके पता था कि ये कार बुक करनी है, करके आ गए। कोई उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट कुछ उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ जितना फर्स्ट टाइम में हुआ था। हाँ चाहिए थी छोटी गाड़ी तो हाँ बुक करा दी। बाकी जो भी है सब कुछ आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओरियो भी देख रहा है भाई, ओरियो भी देख रहा है। ओरियो नहीं देखता, अच्छा ये तो मेरी फेवरेट वाली है। खाना अपना आ गया है।